जी चाय हमने पी ली है दिलबर भाई के हाथ की। दिलबर भाई अब चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। कदम मारने के था। कदम मारने के था। क्यों? मैंने बनाई है चाय। तूने बनाई है? चलो उस बेचारे की इज्जत। मैं चुप नहीं कर सकती तो। और सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह गुड। आप हमारे इतनी सर्दी कैसे लेके आ गए? ये कुदरत का करिश्मा है, हमारे हाथ का काम नहीं है। अच्छा बहुत ज्यादा यानी कि सर्दी है। और साथ में अब आज तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है माशाल्लाह से। पता नहीं कह रहे हैं बारिश यानी कि स्टार्ट होने लगी है। अगर बारिश होगी तो फिर सर्दी खत्म हो जाएगी। अच्छा फिर आएगी लेकिन धुंध खत्म हो जाएगी। धुंध खत्म हो जाती है। धुंध तो बीमारी है। निकलना शुरू हो जाती है। अच्छा कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि ये वाकई सास इतना प्यार करती है कि ये सिर्फ वीडियो के लिए, तो आप खुद अपने मुंह से बात सुने। ये चीजें ऐसी हैं कि आप इनके जितना भी सफाई देंगे ना अभी तो लोगों ने नहीं मानना। ऐसी चीजों की सफाई नहीं दी जाती, ऐसी चीजों की ना आपको देखा जाता है अगले के फेस से, उन चीजों से देखा जाता है कि हाँ वाकई मिल रहा है कि नहीं। ठीक है ना, लोगों को आप जितना भी सफाई दोगे ना कि ये इतना प्यार करते हैं, उन्होंने बोला नहीं जी। वो कल मैंने छोटा सा क्लिप शेयर किया था ना मम्मा वाला, जो मम्मा आपको साग बना के दे रही थी, तो मम्मा ने बोला कि मेरा जवाई बहुत अच्छा है, तो लोग कह रहे नहीं ये इन्होंने खुद बोला कि हम जैसे बोलो। इनको जितना भी सफाई दे रहे इन्होंने नहीं मानना, चाहे जितना भी, ये तो खुदा पे राजी नहीं है। हम लोग क्या करें, बात हम तो इंसान है, बात तो वही है। यार मुझे बहुत प्यारा है, मुझे दिल पर बहुत प्यारा लगता है, सनिया से ज्यादा। सनिया से ज्यादा? सनिया से ज्यादा। देख ले आखिर कोई तो बात है ना। बाद में पहले दिल पर सही है। मैं सनिया। आप सनिया नहीं? अच्छा और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहूंगा, कुछ लोग आप पे बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं इसकी, इसकी खुशी है इस बात। खुशी है, खुशी है। जितना भी आपके ऊपर तनकीद होगी, जितना भी आपके ऊपर बातें करेंगे, उतना आपके गुनाह कम होते हैं। तो शायद हमारे कुछ ऐसे गुनाह थे जो शायद कभी भी कम ना होते, लेकिन इन लोगों ने जो है ना हमारे लिए, ये मैं आपको भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि होर गला कटो, होर कटो, ये साढ़े लिए तुम फायदा कर रहे हो, आखरत तो सारी सेट हो रही है इनसे। उनका एक तरफा अगर सोचा जाए तो उनका गुस्सा जायज है, एक तरफा सोचा जाए तो इतना भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। ठीक है बोलने के एक नहीं, अगर की तो आपने शादी है, याद हो ना आपको लड़की भगा के ले गए हैं। यही बोल रहा हूँ, आप भगा के ले जाते फिर इन्होंने बोलना तो ठीक किया तुमने। अलबत्ता मुसलमान है, अलबत्ता इनको पता है कि निकाह किया, बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम गलत काम करते हैं तो फिर ठीक होता है। अगर हम आजकल का जो दौर है ना, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, इसने तो गलत किया, इसने इसको करना ही नहीं चाहिए था ये चीज, तो लोगों की सोच पे हम लोग कोई वो नहीं कर सकते। जिसका जो दिल करे वो बोल सकता है। हमें अपने वर्क से मतलब है, हम अपना काम कर रहे हैं और हमारी फैमिली खुश है, बस इससे बढ़कर हमारे कुछ भी नहीं। लोगों को हमें सफाई नहीं देनी, क्योंकि आप जितना भी सफाई दोगे ना, जितना भी आप सफाई देंगे, अगले ने बोला ना जी अभी भी कमी रहेगी, उससे बेहतर है अपने काम पर फोकस करो चुपचाप बस। खुदा पे राजी नहीं, हम लोग इंसान है, बात सही है, बात ही खत्म। हम तो इंसान है, खुदा पे राजी नहीं है भाई। नहीं वो कह रहे ना तो जब शोर इनके मचाते हैं लोग बातें करते, तो समझो कि आपकी वो हो गई है जी, आपकी जीत कामयाब हो गई है, आप कामयाबी की निशानी और आपकी जीत है। तो ये उनको बोले कि आप अपने तरीके से लड़े, हम अपने तरीके से लड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह जो है ना, जाहिर सी बात, जब अपनी मंजिल पे पहुंचे तो रास्ते में बहुत सारी रुकावटें होती हैं, हकीकत है। आप ऊपर जाने के लिए, आपको मंजिल पे पहुंचने के लिए बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, तब जाके आपको कामयाबी मिलती है। हाँ मुझे बहुत कुछ लोग सुनाते हैं, तुम अपने शौहर की शादी कर दो, तुम अपने फलां की शादी कर दो, अब दिलबर ने चौथी शादी करनी है, अब फलां होगा फलां होगा। तो देखो मेरी बहनों को बहुत सारी बदवाएं दे रही, समझ नहीं आती कि चौथी शादी करनी है तो मतलब अब तो तीसरी से खुश नहीं हो तो चौथी की ऑफर क्यों करते हो? पहली बात तो ये कह रही शायद कोई हम यही समझ नहीं, किसी खुद रिश्ता देना हो आपको पता नहीं, लेकिन ये है कि जब आप तीसरी से खुश नहीं हो तो फिर चौथी कैसे? मतलब एक चीज, अगर आप लोगों को इतना खुशी होती तो फिर इनके लिए आप कुछ अच्छा बोल देते, तो फिर चलो चौथी का पता। मुझे भी बड़ा बोल रहे हैं अल्लाह करे तेरी बेटी के फलां हो फलां। अलबत्ता देखो यहाँ इनकी अक्ल का अंदाजा बंदा यहाँ से लगा रहे हैं कि मेरी बेटी बेचारी का क्या कसूर है, की तो दिलबर ने शादी है, आती कि भाई याद हो ना मैंने की है, याद अच्छा की दिलबर औरतें ही औरतों पर वो बातें कर रही हैं, औरत औरत की दुश्मन है। चलो एक मर्द तो चलो बोलता है, एक समझ आती है औरत औरत की दुश्मन। आज के दिन तक भाई किसी मर्द का मुझे कमेंट्स नहीं आया, जितना भी किया औरतों ने किया। अलबत्ता औरतों को पता है मेरी बहन, औरत औरत की दुश्मन होती है, मर्द ऐसे ही जो है ना बदनाम है, सीधी बात है। नहीं मुझे किसी मर्द का नहीं आया कमेंट्स, जो भी बात की औरत ने की है। देखो किसी मर्द को उनको क्या,
औरतों के पास वही छोटी सोच वाली औरतें। देखें वो अपना गुस्सा दिखाएं, आप अपना तहमल से अपना। मैंने किसी को रिप्लाई बोल रहा हूँ। हाँ मुझे ये लोग कहते हैं आप अपने प्यार से अगले को मारो कि आप दूसरा कमेंट्स करती हैं। अलबत्ता मैंने क्लियर किया है कि मेरा एक ही चैनल है, सबको पता है। भाई इतना टाइम नहीं है कि हम लोग कमेंट्स करें, सीधी बात है। अगर कमेंट्स करना होगा, कोई बात करनी होगी, तो हमारा अपना पैनल नहीं है, हम दूसरों के पैनल पे क्यों आके वो चीज करेंगे। जब ये चीजें करनी होगी ना हमारे पास अपने चैनल, हम अपने चैनल से कर सकते हैं, खुल के कर सकते हैं। हमें किसी के चैनल पे आके उसके कमेंट्स करके क्यों कमेंट्स करें, क्यों? हमारी जबान नहीं है, हम लोग बोल नहीं सकते, या हमारे पास चैनल नहीं है जो हम दूसरे के। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ करना होगा तो हमारे पास चैनल है, सारा कुछ। मैं तो अपने चैनल पे खुद बोलता रहता हूँ कि अगर मुझे कुछ ऐसा करना होता तो मेरे पास भाई अपना मोबाइल है, चैनल है, मैं अपने। हाँ मैंने बताया कि मेरे शूट कर सकता हूँ, एक ही चैनल है। बोलना है तो फिर डरना किस बात के, जब बात ही करनी है तो फिर डरने की क्या बात। ये अलबत्ता देखो औरतें हैं किस किस आईएएस, एक बात बताऊं कि इंडिया की जो औरतें हैं ना उन्होंने कोई बात नहीं की, अलबत्ता उन्होंने कोई भी बात नहीं की। लेकिन ये जो है ना दूसरा पाकिस्तानी तुम्हारी बेटी के साथ हो, अलबत्ता उनको पता है कि हमारे इस्लामी जाते उस बंदे ने निकाह कर लिया है, बुरा काम कोई नहीं किया, बस फिर भी तेरी बेटी भाई मेरी बेटी की। मेरी बहन वो पता है क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हमें ना वहाँ पे चोट मारनी चाहिए जहाँ पे इनको तकलीफ जाती है, तो ये लोग ये समझते हैं कि बेटी का नाम लेंगे तो हम लोग जो ये लोग भड़केंगे। मैंने यही सोचा कि जितनी अकल जितनी सोच का मुजाहरा किया हुआ है और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे। जो लोग बोलते हैं वो सस्ते लोग होते हैं जिनको दूसरी दफा सब घर पे सालन नहीं मिलता और आ जाते हैं कमेंट्स कर। मुझे एक बंदी ने कमेंट्स किया था, उसने बोला था इंस्टा पे कि भाई हम लोग सिर्फ आपके ब्लॉग देखते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम आपको कमेंट्स करते रहे। ठीक है, जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं ना उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको कमेंट्स करें। ये जो फजूल अच्छा देखो उनके कमेंट्स करने, मैंने एक कमेंट्स भी नहीं पढ़ा, वो मुझे भी करते हैं, सबको ही करते हैं। इनको दूसरी दफा सालन नहीं मिलता वो आ जाते हैं, ये फारग बैठे बस शैतानी दिमाग बस घर में बैठे। असल में चस्के चाहिए होते हैं, सीधी बात है, आप इनको चस्के देते रहो तो ये खुश हैं, अगर नहीं दोगे फिर उन्होंने अपने कमेंट्स करके अपनी राय बतानी है, और कुछ भी नहीं। खैर अल्लाह इनको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और अगर हमारे बारे में ये गलत सोचते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, किसी की सोच पे कोई पहरा नहीं लगा सकता। जो अच्छा हमारे लिए बोलते हैं अल्लाह उनको भी खुश रखे, और जो बुरा बोलते हैं अल्लाह उनको भी खुश रखे, हमारी यही दुआ है। जाहिर सी बात है हमने अपनी सोच के मुताबिक ही चलना है, बोलना है, बिल्कुल किसी के मुंह पे हाथ नहीं रख सकते हम, कोई भी कुछ नहीं कर सकते, मुंह पे हाथ ही रखा जा सकता। वो आप वाली बात जिसको दूसरी मरवा साल नहीं मिलता वो हम पे बात करते हैं। हम लोग जब खुदा पे राजी नहीं है तो इंसान क्या चीज है, बस आप खुश है ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश, आपको मुझे किसी के मैं क्यों परेशान हूँ, मैं किसके लिए क्यों परेशान, मेरी फैमिली मेरे साथ खुश है। ठीक है जब मेरी फैमिली मेरे साथ है सब कुछ साथ, मुझे टेंशन लेने की जरूरत है, ससुराल वाले साथ फिर इतनी अच्छी साली साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे आप मेन चीज होती है आपका घर, आपकी फैमिली, आपके साथ खुश है ना, दुनिया जाए भाड़, दुनिया भाड़ में जाए, ठीक है। मेन चीज है आपकी फैमिली, जब आपकी फैमिली खुश नहीं होगी ना फिर आप टेंशन में। हाँ फिर सारी दुनिया भी साथ होगी, आपको सुकून नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे खुश है, मेरी फैमिली खुश है, मेरी ये फैमिली खुश है, मेरी वो फैमिली मेरे साथ है, मुझे किसी की टेंशन नहीं है, मुझे क्या टेंशन, मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, एक ना एक दिन परेशान होने की जरूरत नहीं होती, इन सस्ते लोगों के लिए परेशान ना हुआ। ये आपका अल्फाज मुझे मेरा दिल जीत लिया, वही है ना कि देखे ना मेन हम पे रहे लोग हम पे बात कर देते हैं ना कोई भी, यानी कि ये नहीं है चैनल से हटके, वैसे भी कोई लोग बात कर देते हैं तो कितनी दुख थी, लेकिन आपका बात है कि सस्ते लोगों के लिए परेशानी अपने वो ये सस्ते लोग होते हैं जिनके लिए कभी ना रोते हैं ना परेशान होना, बस उनके लिए परेशान और रोना नहीं चाहिए, हैप्पी रहो अपनी लाइफ एंजॉय करो और खुश 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 रहो, बस मेरा तो ये, मैं तो देखे मैं परेशान भी होता हूँ फिर मैं खुश होता हूँ। हाँ क्योंकि आपकी स्माइल पूरी दुनिया में मशहूर है, वही ना आपकी पता क्या है, आप ना अगला आपको नफरत से मारा आप अपनी खुशी से मारो उसको। हाँ। एक ना एक दिन उस बंदे ने भी माफी मांग लेनी है कि यार इस बंदे को कितना जलील किया, उसके बावजूद भी ये बंदा जो है ना हार नहीं मान रहा, तो ये चीज होती है आप अपनी खुशी। थैंक यू सो मच, ये एक बहन भाई का वादा है, और ऐसी बहनें होनी चाहिए जो अपने भाई को जो है ना तसल्ली देती रहे। बाय बाय बाय।